चलो ओके डन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशिक, ओके आई एम फ्रॉम कश्मीर, ओके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा ग्राफिक्स का सेक्शन हुआ, ओके, जिसमें हमने पहले थ्योरिकली पढ़ा, ओके, और फिर हमने प्रैक्टिकल भी किया, ओके। तो आप सबको पता होगा, मैं फिर भी थोड़ा रिमाइंड करूँ आपको, जब हमें कोई भी ग्राफिक्स बनाने हो तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स बनाने में, okay. तो सबसे पहले हमें चाहिए पावर में से 1.8, ओके। तो हमने यहाँ पे 1.8 की लाइन ले ली, ओके। उसके बाद हमारे पास आना चाहिए AVDD जो कि +5 की लाइन है, ओके, और AVEE जो कि -5 की लाइन है, okay. ये आप सब जानते होंगे, मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमें चाहिए मीपी की 10 लाइनें, ओके, जिनमें हमें 5 ग्राउंड के साथ चाहिए, ओके, और सर साथ में हमें चाहिए ID 0, ID 01, ओके, और साथ में हमें चाहिए टीयरिंग, ओके, तो टी भी चाहिए और रिसेट 1.8 भी चाहिए, 1.8 भी चाहिए, जी बिल्कुल सर, ये सारा मिल गया। तो जब ये सारा पूरा कंप्लीट हमें मिलता है तो हमें आसानी होती है, हमें बिल्कुल मतलब एक अच्छे से हम ग्राफिक्स बना सकते हैं, ओके। तो सर अब यहाँ पर हमारे पास पावर भी आ गया, CPU भी है, तो ये तो सबके लिए इजी है, सब बना सकते हैं इसको, ओके जी। लेकिन हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं, ना तो हमारे पास पावर है, ना हमारे पास CPU है, तो हमने फिर भी इसको बनाया, okay. ये सिर्फ और सिर्फ एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है और कहीं पे पॉसिबल नहीं है। हमने एक जंपर करके इसको बाईपास किया। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल की वजह से, कुछ प्राइवेसी की वजह से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हमने कैसे इसको बाईपास किया, okay. तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो आप जरूर एशिया टेलीकॉम से जुड़े, और इस इतनी डीप नॉलेज के लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम की पूरी मैनेजमेंट को, देव सर को और MD सर को, और जितने भी मैनेजमेंट के साथ लोग जुड़े हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने हमें एडमिशन दिया, इतनी डीप नॉलेज दी, और साथ साथ में इतने अच्छे से हमें जो पढ़ाई मतलब दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उसके लिए रियली थैंकफुल टू यू सर, रियली थैंकफुल टू क्लैपिंग फॉर द कश्मीर। यस सर, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।